हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मलविंदर फ्रॉम नेचर गार्डन और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से फूल के साथ, जरबेरा के, और दो अच्छे से फूल खिले हुए हैं। लेकिन मेरा जो आज वीडियो है वो इनसे रिलेटेड नहीं है, फूलों से। तो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स आज मिली बग्स के ऊपर, जिसने मेरे प्लांट को बहुत ही बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितना सारा इनका जो है अटैक हो चुका है। और ये था मेरा हॉली हाउस का प्लांट, जो मैंने जब बरसातें स्टार्ट हुई तो तभी थोड़ी पहले मैंने जो है इसको लगा दिया था। तो इसके ऊपर अब है ब्लूमिंग काफ़ी सारी, आप देख रहे हो। लेकिन हिबिस्कस ने, सॉरी, ये मिली बग्स ने अपना जो है अटैक जो कर दिया है इन पे। और फूल तो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन प्लांट्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो आज मेरा वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैं आज आपके साथ शुरुआत में जो मैं नहीं देख पाई इनको, तो थोड़ा लेट हूँ, लेकिन बहुत सारे मिली बग्स लग चुके हैं। तो मैं इनके सल्यूशन के लिए आज अपना जो वीडियो शेयर करूँगी कि मैं अपने वीडियो में आपके साथ दिखाती हूँ। ये मेरा है सुख शांति वाला प्लांट, और इसके ऊपर भी जो है मिली बग्स का अटैक और स्टार्टिंग है अभी, तो इसे भी मैं स्प्रे करूँगी। तो मैं अपने प्लांट्स को कैसे मिली बग से बचाती हूँ और क्या यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, सिंपल ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये नीम ऑयल, ये मेरा नीम ऑयल है। और नीम ऑयल जो है 60 ml, जो आप किसी पंसारी के पास जो आयुर्वेदा वगैरह की मेडिसिन रखते हैं उनसे भी मिल जाएगा, या केमिस्ट के पास भी मिल जाएगा। ये 60 ml का मुझे पड़ा है 80 rupees का। तो आपने क्या करना है, एक इसका जो है टीस्पून जो हाफ होता है वो लेना है, और दूसरा मैंने लिया है ये जो मेरा, मैं हैंड वॉश मैं यूज़ करती हूँ उसका, जो मैंने बॉटल में भर के ऊपर ही अपने गार्डनर में रखा हुआ है, तो उसे आपने लेना है। तो कुछ एक लेना है पानी आपने सिंपल, तो इनको आपने मिक्स कर लेना है एक स्प्रेयर बॉटल में। ये मैं डाल रही हूँ, ये मेरा एक जो है, ये देखिए, एक जो है उसी के ऊपर जो मैं नीम ऑयल के बॉटल के ऊपर ढक्कन रहता है वही मैंने लगाया है। और ये मैं अंदाजे से थोड़ा लिक्विड सोप जो होता है मेरा, मैं वो डाल रही हूँ। और डाल रही हूँ मैं इनमें पानी, ये देखिए, इसमें कोई फ्रेंड स्मेल नहीं होती और ना ही इसका कलर चेंज होता है। बस आपने देख के अंदाजे से डाल लेना है, तो इसकी आपने स्प्रेयर कर लेनी है बॉटल तैयार। तो ये मेरे पास है स्प्रेयर बॉटल, तो मैंने इसमें कर लिया है इसे मिक्स सबको। और आप इसमें अगर चाहो तो ऑयल जो होता है हम अपने किचन में करते हैं यूज़, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल का जो है इसे मिक्स कर लेना है। ऑयल इसलिए डालते हैं हम लीव्स के ऊपर जब स्प्रे करेंगे तो जो है वो ऊपर फिक्स हो जाएगा, जैसे ना फिसलने वाला जो काम होता है ना, जैसे मिलीबग के ऊपर हम करेंगे तो फिसल के जो है नीचे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है कैमरा एक हाथ में, और दूसरे से मैं कर रही हूँ स्प्रे। और मैंने इसे अब ये मिक्स कर लिया है, मिक्स करने के बाद मैं इसे, ये देखिए, ये ऊपर से मैं करूँगी स्टार्ट। आपने जब ये स्प्रे करनी है फ्रेंड्स, तो करनी है शाम को या मॉर्निंग की, जब सुबह 5-6 के आसपास, ताकि 3-4 घंटे इसको जो है मिले, और उसके बाद धूप निकले और ये इनका जो होली होली फिसल के आपने आप जो है ख़त्म होते जाएं।
और ये देखिए इनकी हलचल जो है स्टार्ट हो चुकी है। कोई इसमें स्मेल नहीं है और ना ही इसका कोई कलर चेंज हुआ है, और बस आपने ऐसे इसे जो है स्प्रे करते जाना है। तो कोशिश करिएगा आप स्टार्टिंग में करने की। मैंने एक्चुअली इस प्लांट को देखा ही नहीं, बस मैंने एक साइड पे रखा हुआ था ये और लगा के अपना, तो अब देखा है मैंने। आप पास से मैं दिखाऊँ आपको मिली बग थोड़ा, ये देखिए ये कितना सारा, कितने सारे हैं। और बस आपने अगर लगे ना आपको अपने प्लांट के ऊपर ही इनका पेस्ट का हो गया है अटैक, ये देखिए, तो आपने इस प्लांट को अपने दूसरे प्लांट से दूर ही रखना है, पास नहीं रखना, क्योंकि इससे सारे जो अपने गार्डन के आपके प्लांट हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर ये चला जाएगा। तो इसे आपने ऐसे स्प्रे कर देना है सारे पे। तो देखिएगा सुबह तक ये ख़त्म हो जाएगा। आपने जब देखना है कि नहीं हुआ तो एक वीक में आप दो बार भी स्प्रे से कर सकते हैं, और ये एक एक चीज़ को ये ऐसे स्प्रे कर देना है आपने ऐसे, तो एक एक डंडी पे, तो एक एक पत्ते जहाँ जहाँ पे इसका अटैक है। तो ये देखिए ये हिलजुल जो है इनमें स्टार्ट हो चुकी है और ये अपने आप गिरते जाएंगे, और ये आपका प्लांट है बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव भी करेगा। और मैं इसका जो किसी दिन जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं दिखाऊंगी भी आपको कि इसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है। तो मेरे एक फ्रेंड हैं तो उन्होंने भी कहा था कि आप जब भी अपने किसी प्लांट के ऊपर मिली बग का अटैक होगा तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि उनका जो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो वो कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी कुछ उसमें स्मेल्स भी आती है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इसमें स्मेल नहीं है। तो सिर्फ आपने इसे ध्यान से कर देना है, ये सभी में करना है। तो वीडियो ये मेरा था फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके साथ मिली बग के अटैक को ख़त्म करने का, उसमें मैं क्या स्प्रे करती हूँ, सिर्फ नीम ऑयल, और लिया है मैंने लिक्विड हैंड वॉश और लिया है पानी। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं है तो आपके किचन में गार्लिक तो रहता ही है और ग्रीन चिली भी रहती है, उसको आप पेस्ट के रूप में बनाएं, पेस्ट बना करके उसमें थोड़ा सा डाल दें पानी और छान करके अपनी स्प्रेयर बॉटल में भर दें, तो उससे भी आप इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। वो ज़्यादा बहुत तेज़ होता है, क्योंकि मैंने पहले वही एक बार करा था एक प्लांट को, तो उसे मेरा प्लांट थोड़ा सा मुरझाने लग गया था, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, लेकिन ये सबसे बेटर है आइडिया। और सिंपल अगर आप सोप का भी लिक्विड है जो वो भी दे देंगे ना तो भी आपका प्लांट बिल्कुल बच जाएगा। ये इसकी स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग में भी सारे में अच्छे से कर दूँगी। तो ये कैसा लगा मेरा वीडियो फ्रेंड्स, आप बताइएगा मुझे। तो पसंद आई लाइक, मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने जो कमेंट्स हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, और नीम ऑयल का स्प्रे करिएगा आप अपने प्लांट्स को, अगर आपको कोई इफेक्ट दिखता है इनका अटैक दिखता है तो अपने प्लांट को बचाइएगा। अच्छा जी, थैंक यू जी, हैप्पी गार्डनिंग बताइएगा मुझे, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे और अपलोड्स देखने के लिए। ऐसे मैं कर दूँगी सारे पे स्प्रे अच्छे से। ओके जी, थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग, और प्लांट लगाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू जी, ये देख सकते हैं साथ साथ ही ये बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, ये देखिए ये नीचे गिरने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए नीचे, ये देखिए लगाइए। ओके जी, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।